नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज, नीलांबर प्रताप यूनिवर्सिटी, मेदिनी नगर, पलामू। आज मैं आप लोगों को इतिहास विषय के प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा। यह बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका सेशन 2017 से 2020 है, जो बीए पार्ट थर्ड ईयर में अभी हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी ओर से घर में सुरक्षित रहने की कामना करता हूं, और मैं कामनाएं भी करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह कोविड-19 का जो प्रकोप है वो पूरी दुनिया को तबाह करके बैठा हुआ है। इसलिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। वर्क फ्रॉम होम के तहत, जैसा कि आदेश है, उसके तहत मैं भी कुछ वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल नहीं है जो मैं अपने गांव चलाया हूँ। इसलिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है नहीं, कुछ है ही नहीं मिला जुला के, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ यहीं से कोर्स कम्प्लीट करा सकूँ, कुछ मार्गदर्शन कर सकूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक में, प्लासी के युद्ध पे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे पन्ने की जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव डाल दी। आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध का परिणाम था। इस युद्ध का अत्यंत महत्व है भारतीय इतिहास में, तथा इस युद्ध के एक अस्थायी परिणाम भी निकले जिसने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदल के रख दिया, जिसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुआ, परंतु भारतीय राजनीति में एक ऐसे विदेशी हुकूमत की शुरुआत हुई जो कहीं न कहीं भारत को लगभग 300 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। यह युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी नदी के तट पे ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध ने ही भारतीय राजनीति में अंग्रेजी हुकूमत के विस्तार की नींव डाली, या शुरुआत की नींव डाली, राइट। सबसे पहले हम इसके पृष्ठभूमि प्रकाश डालेंगे, जिसकी जब तक हम पृष्ठभूमि समझ नहीं सकते, समझेंगे तभी उसके हम वास्तविक चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पृष्ठभूमि के तहत बंगाल का तत्कालिक स्थिति एवं अंग्रेजों के स्वार्थ नीति ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उपनिवेशवाद से कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की ओर धकेलने का प्रयास किया। आप जानते हैं कि अलीवर्दी खां, जो बंगाल का नायब निजाम था, जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर ली थी बंगाल में, और बंगाल में राजनीतिक उठापटक के का भरपूर फायदा उसने उठाया, क्योंकि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था, और उसने बंगाल के तत्कालिक जो नवाब था जिसका नाम सरफराज खां था, सरफराज खां को उसने युद्ध में हरा कर और उसकी हत्या कर दी, और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। कालांतर में उसकी भी मृत्यु 9 अप्रैल को हो गई, जिसके पश्चात बंगाल के राजनीति स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कहीं ना कहीं बंगाल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसका कोई विशेष उत्तराधिकार अलीवर्दी खां ने घोषित नहीं किया था, चुनाव चिन्हित नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस उत्तराधिकार के लेके बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, सुगबुगाहट होने लगी कि अगला बंगाल का नवाब किसे बनाया जाए। बहुत जल्द ही उत्तराधिकार को लेके षड्यंत्र भी शुरू हो गए। षड्यंत्र में 2-3 प्रकार के लोग थे, जैसे एक अलीवर्दी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो एक तरफ षड्यंत्र भी बंगाल के शासक को लेके सरगर्मी शुरू हो गई बंगाल में, कि अगला अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बनेगा। इस कड़ी में हम देखते हैं कि
अलीवर्दी खान ने कहीं ना कहीं अपनी अग्रसूची और महत्वाकांक्षी प्रतिभा का संपन्न व्यक्ति था। उसने अपने छोटी बहन के जो पुत्र था जिसका नाम सिराजुद्दौला था उसको उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। अंततः वही हुआ कि बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया। परंतु जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक और अंग्रेजी सत्ता अपने प्रभुत्व को बढ़ा रही थी। कहीं ना कहीं फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने एक अलग सा उत्साह ग्रहण किया था जिसका उस प्रयोग कहीं ना कहीं बंगाल के सत्ता में भी करना चाहते थे। दूसरी ओर उसके परिवार में ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहे थे। जिसकी एक अपनी मौसी जिसका नाम घसीटी बेगम था, घसीटी बेगम अपने पुत्र को जिसका नाम शौकतगंज था वो अपना बंगाल का नवाब बनाना चाहती, बंगाल का शासक बनाना चाहती थी। तो इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं घसीटी बेगम एक प्रतिद्वंदी, दूसरा अंग्रेज और तीसरे विभिन्न प्रकार के जो बंगाल की समस्याएं थी वो भी सामने आ रही थी। सिराजुद्दौला ने घसीटी बेगम के पुत्र शौकतगंज को जो उस समय पूर्णिया का नवाब था, पूर्णिया का शासक था, उसने जल्द ही शौकतगंज को एक युद्ध में हरा देता है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है चूँकि ठीक शुरू करते हैं। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तब उसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी जिसका सामना उसे करना था, राइट। एक तरफ उसके विरोधी व प्रतिद्वंदी उसके परिवार से ही थे, जिसका जो उसके परिवार से उसकी मौसी घसीटी बेगम थी। घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज था जो उस समय पूर्णिया का शासक था। उसने सिराज को परास्त करने के लिए अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ को एक साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराने की एक योजना बनाई। उधर सिराज पहले से ही अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था और अपनी मौसी घसीटी बेगम को घसीटना शुरू कर दिया था। सबसे पहले सिराज ने घसीटी बेगम को कैद कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया और उसने जिससे शौकतगंज भयभीत हो गया और सिराज के प्रति वफादार रहने का वचन दिया। हालांकि यह कालांतर में नहीं होता है, यह इतिहास का दुर्भाग्य है, परंतु सिराज ने उसे एक युद्ध में हराकर यानी शौकतगंज को हराकर उसकी हत्या कर देता है, उसको मरवा डालता है। वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण भारत में उसने कर्नाटक के युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी फ्रांस को पराजित कर चुका था। वही इस जीत से अंग्रेज काफ़ी उत्साहित थे और उसका फायदा और उस उत्साह का कहीं ना कहीं उत्साह का कहीं ना कहीं बंगाल में उस शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे थे। परंतु अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की चाल सिराजुद्दौला को बहुत पहले ही समझा दिया था, आगाह कर दिया था कि किसी भी कीमत में बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता नहीं आनी चाहिए। इसलिए सिराज भी अंग्रेजों को लेकर पहले से ही चौकन्ना था। सिराज ने अंग्रेजों के निवास स्थान जो फोर्ट विलियम किले के रूप में था उसको नष्ट करने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने इस आदेश को ठुकरा दिया और मई 1756 को फिर सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 आते आते कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया और फोर्ट विलियम भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। शीघ्र ही बंगाल में एक कालकोठरी की घटना होती है। कालकोठरी की घटना से तात्पर्य हमारा है कि एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज को, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, महिलाएं भी थी, जिनको कैद करके बंद कर दिया जाता है। और दूसरे दिन जब खुलता है तो उसमें मात्र एक अंग्रेज बचता है, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। इस घटना से प्रभावित होकर, इस घटना को सुनकर अंग्रेजों में कहीं ना कहीं शीघ्र ही सिराजुद्दौला से बदला लेने की एक तरीके का रणनीति आती है और इसकी खबर सुनकर शीघ्र ही रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन थनसेला लेकर बंगाल की ओर अग्रसर होते हैं।
नवाब के अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने रिश्वत देकर अपने पक्ष में ले लिया। जैसे मानिक चंद ने कलकत्ता को अंग्रेज़ों को सौंपने का वादा किया जब अंग्रेज़ों के पक्ष में चले गए, तो बाद में अंग्रेज़ों ने हुगली पर भी अपना अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेज़ों के सामने एक समझौता करना पड़ा। 9 फरवरी 1756 को लॉर्ड कलाइव और नवाब के बीच एक अलीनगर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट द्वारा दी गई सारी सुविधाएं या संपत्ति अंग्रेज़ों को वापस करने थे। नवाब को बाध्य होकर सारी संपत्तियां और फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों को वापस करना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने भी मिले और इन सारी घटनाओं से नवाब बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। इधर अंग्रेज़ इस संधि से भी खुश नहीं थे और जल्द ही सिराज की जगह कोई अन्य वफादार व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे, जो उनके इशारे पे काम कर सके और उन्हें अपने व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में कोई रुकावटें न पैदा करे। उनके अर्थात दूसरे शब्दों में उनके साम्राज्य विस्तार में किस तरह कोई रुकावट का प्रयास न करे। क्लाइव ने गुप्त षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और जैसे मिर्जाफर करना शुरू कर दिया और उसने मिर्जाफर से उसने एक गुप्त संधि कर ली और उसे नवाब बनाने का लाभ दिया। इसके बदले में मिर्जाफर ने मीर कासिम बाजार, ढाका व कलकत्ता के किलाबंदी करने का के साथ साथ 1 करोड़ रुपए के देने का वादा भी किया और उसकी सेना का जो खर्चा था, व्यय था, उसको भी सहन करने का आश्वासन दिया। अब लॉर्ड क्लाइव ने सिराज पर अलीनगर जो संधि 9 फरवरी 1756 को हुई थी नहीं मानने का आरोप लगाया। इन्हीं आरोप के आधार पे अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है जिसे पलासी का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध पलासी नदी, बंगाल के पलासी नदी के तट पे संपन्न हुआ था, इसलिए इसको पलासी का युद्ध कहा जाता है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि इतिहास में 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको 3P भी शॉर्ट में बोलते हैं। 1P से पहले पी से पर्सन होता है, यानी व्यक्ति, व्यक्ति के नाम पे इतिहास का निर्माण होता है। प्लेस मतलब स्थान, स्थान के नाम पे निर्माण होता है। व्यक्ति मतलब जैसे अकबर हो गया, उसके पहले चले जाइए आप तो अशोक हो गया, ठीक है, तो व्यक्ति के नाम पे इतिहास का निर्माण होता है। प्लेस मतलब स्थान, प्लासी, बक्सर या विभिन्न प्रकार के आप जगहों को, पानीपत का युद्ध इत्यादि यदि देखते हैं कहीं ना कहीं। तीसरा है